दुनिया का सबसे बड़ा राज्य यूपी में स्थित कानपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। इसे द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन काल में सबसे बड़ा टेक्सटाइल फैक्ट्रियाज बनाया गया था, जिनमें से बहुत सारा फैक्ट्रियाज अभी बंद पड़ा हुआ है। सबसे बड़े फैक्ट्री का नाम था चौनपुर टेक्सटाइल मिल्स, और इसी के नाम से वहाँ का नाम रखा गया था चौनपुर, जो वर्तमान में कानपुर नाम दिया गया है। अब शायद चौंक जाएंगे ये सुन के कि कानपुर नाम इस शहर का 21वां नाम है। जी हाँ, इससे पहले इस शहर का 20 नाम रखा गया था। चौनपुर, कौनपुर, चौनपोर, कौनपोर, खानपुरा, खानापुर और भी बहुत सारा। इतिहास में जब जब ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया गया, तब तब कानपुर से आया था एक बुलंद हौसला 1857 साल में, जो हम सबको देखने को मिला था। कानपुर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे है, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। कानपुर में स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO भारत के लिए एक गर्व है। ब्रिटिश शासन काल से ही यहाँ पर लेदर मैन्युफैक्चरिंग होते आ रहे हैं, और भारत का हाई क्वालिटी लेदर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ही होता है। MKU लिमिटेड, जो कि एक मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यहाँ से लगभग आधे भारत का इक्विपमेंट यही मैन्युफैक्चर करते आ रहे हैं। 1876 साल में यहाँ पर भारत का पहला वूलन मिल एस्टेब्लिश किया गया था। कोलकाता के बाद ट्राम सर्विस यहाँ पर ही स्टार्ट किया गया था कानपुर में, हालांकि 1933 साल में ये बंद कर दिया गया था। कानपुर अपने साइज के हिसाब से भारत के 9th लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ पर ही जनसंख्या की ओर से अगर देखा जाए तो 12वें बड़े सिटी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। 2 साल पहले कानपुर को ही मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन अब उनमें बहुत सुधार आया है। कानपुर में जाएंगे तो बहुत सारा धर्म के लोग आपको देखने को मिलेगा, पारसी, आयरिश, एंग्लो इंडियंस, इराकी, पोर्तुगीज, गुजराती, बुद्धिस्ट, मराठा, साउथ इंडियंस, जिप्सीज, पंजाबी, बंगाली, बिहारी और भी बहुत सारे। कानपुर में ही भारत का दूसरा सबसे पुराना गोल्फ क्लब है कोलकाता के बाद। दैनिक जागरण का हेड ऑफिस भी कानपुर में है, और आप शायद घरेलू डिटर्जेंट पाउडर का एड देख चुके हैं, और उसका भी हेडक्वार्टर कानपुर में ही है। कानपुर में एलियन फॉरेस्ट जू है, और ये भारत का कुछ ही गिने चुने जू में अपने आप पर एक है। कानपुर में घूमने के लिए और देखने के लिए बहुत सारा जगह है, जैसे श्री राधा कृष्ण टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, एलियन फॉरेस्ट जू, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, ब्रह्मव्रत घाट, जैन ग्लास टेम्पल, दशानंद मंदिर, कानपुर चार्च, मोती झील, फूलबाग और भी बहुत कुछ। कानपुर वाले नॉर्थ इंडियन खाना ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि ये भी नॉर्थ इंडिया पे ही है, फिर भी आप कभी जाएंगे तो सुल्तानी दाल और शमी कबाब कभी भी ट्राई करना मत भूलिएगा। कानपुर बिरयानी अलग ही किस्म का होता है, ये अपने आप में अलग ही है। मीठा खीर भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है, और इमारती, जो मुझे भी बहुत पसंद है, ये कानपुर का एक फेवरेट डिश में से एक है। तो दोस्तों, अभी क्या करेंगे, आप कमेंट लिखेंगे क्या आप कभी कानपुर में गए थे या आप कभी जाना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपका कमेंट का।